हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कभी कभी इस टाइप की सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, तो निकलना कैसा है? देखो, ये क्या है, 11 स्क्वायर है और उधर में 10 स्क्वायर है, तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, एक चीज नोटिस करो इसमें, ये 11 है और ये 10 है, ये 43 और 42 है, इधर में 23 और इधर में 22 है। इसका मतलब एक नंबर इसका कम है। जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को फंसते हैं तो हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट आप क्या करो, ये है, जब इसका एक नंबर कम होगा तो क्या करते हैं, ये 11 और इधर में 10 डाल दो, सिंपल सा प्लस करो, प्लस करने के बाद होता है इधर में 21 और ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से ये 43 है और इधर में 42, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके? आप ऐसा मत करो बहुत समय लग जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो बेटा, उसके अंदर क्या होगा, इधर में 43 है और इधर में 42 करो और इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, इधर में हो गया 85। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, और इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दे दें।